हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड पे बीएससी में। इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट और स्पेशल हिंदी और स्पेशल इंग्लिश करवा दिया है, ठीक है। और आपको अलग से रात को 8 बजे वीडियो मिल रहे हैं मैथ का, ठीक है, जिसमें पहले शुरुआती जो हुई है प्रॉफिट एंड लॉस से हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ में पियोन के लिए आप समझ रहे हैं कि है, ठीक है, यानी मैथ और हिंदी आप जी जान लगा दीजिए, ठीक है। आप इंग्लिश कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखिए, अगर एग्ज़ाम पास करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप हिंदी पर विशेष फोकस करें और मैथ पर, ठीक है, हिंदी और मैथ। अब और एक और चीज़ देखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कोई कोई अगर स्टूडेंट मान लीजिए कमज़ोर भी है और नॉर्मल मेहनत करता है और तुक्का भी लगाता है, तुक्का लगाने का मतलब कि एक सही दिशा में तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ए ए बी बी ऐसे मार, मतलब लगे कि हाँ इसके अकॉर्डिंग उसे कोरिलेट आंसर है, तभी आप उस तरह का भी तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। 2 महीने, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, अच्छा से मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगा, ठीक है। मेहनत का भी भाव नहीं जाता है, आपको भी पता है, ठीक, मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखेंगे सब ने डैश बजाई, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसमें दिया है तालियां, यानी सब ने तालियां बजाई, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रसोई घर, रसोई घर में सी जो है ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है, जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है चारों ऑप्शन में से। देखिए, दंग रह जाने मुहावरे का मतलब होता है कि अचानक नहीं होता है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं आश्चर्य चकित रह जाना, ठीक है। समान भाव अर्थ वाला अगर देखें इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो चकित हो जाना, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चकित हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, सर्वज्ञ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, परिभाषित शब्द के लिए कोई कंसेप्ट की और एक शब्दों के अनेक शब्दों की कोई कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको खुद एक अपना पावर हाउस, जैसे बिजली घर होता है उसी तरह इसका स्टॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी व्याकरण का प्रकाशन लेंगे उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, जुड़ जाएंगे, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, नहीं देखिए जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, ठीक है, मितभाषी, ठीक है, मित वीआईपी का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मितभाषी होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, विलोम चुनना है, ठीक है, यानी दूषित है, दूषित का मतलब होता है अस्वच्छ, गंदा या अपवित्र, ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, यानी शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें, ठीक है, राष्ट्र दिया है, ठीक है, राष्ट्र का परिभाषित शब्द क्या होगा, देखिए आपको पता है कि राष्ट्र का परिभाषित शब्द देश होता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है, 8 नंबर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सही शब्द कौन है चारों ऑप्शन में से, देखिए वनवास जो लिखा है, वनवास, ठीक है, वनवास देखिए कौन सा हो जाएगा, ये दंत सा होगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं, देखिए इसमें कौन सा गलत है, देखिए त्रुटि वाला भाग अगर देखे तो वे देश से नहीं होगा, वो देश की होगा, ठीक है, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये एरर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें रेखांकित खंड को आपको देखना है कि कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है, तुम गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं,
ठीक है। तो देखिए इस पर क्या होना चाहिए, देखिए अगर इसकी बात करें, तुम की प्रार्थना गलत प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पर सही सही बात करें सही शब्द की, तो तुम्हारी सही सेंटेंस क्या होगा, तुम्हारी प्रार्थना का प्रयोग उचित होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना बी नंबर में है, डी नंबर में है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रेगिस्तान होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान के लिए फेमस होता है ऊंट, ठीक है। उसके बाद आ गया गदांश, ठीक है, इसमें ब्लैंक छोड़ा रहता है, इसमें आपको खुद से ऑप्शन देख कर भरना होता है, ठीक है। तो देखिए, संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह डैश है कि यह मन बहलाने अथवा डैश का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखते हैं क्या और लिखा है। देखिए इसमें लिखा है, वस्तुतः डैश के और भी उपयोग हैं, यह डैश ही नहीं मूक पशु पक्षियों की डैश को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है, ठीक है। तो देखिए अब आ गया इसमें जो दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो गदांश है उसको बारी बारी से आपको देखकर भरना है, ठीक है। देखिए 12 नंबर है, तो 12 नंबर में क्या होगा, तो 12 नंबर की बात करें तो इसमें मान्यता हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आप गदांश पढ़ेंगे सही से तो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या होगा, 13 नंबर में जो होगा गदांश के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है, क्या होगा, मनोरंजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करें 14 नंबर में, यानी 14 नंबर में, तो जो गदांश था उसमें जो रिक्त स्थान था उसमें क्या होगा, तो उसमें देखिए क्या होगा, 14 नंबर में क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा संगीत, ठीक है, क्या होगा, संगीत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में क्या होगा, 15 नंबर में जो गदांश था उसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें देखिए मनुष्य भरा जाएगा, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 16 नंबर का था, लास्ट नंबर का गदांश, उसमें जो रिक्त स्थान था, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बात करें तो ये भावनाओं जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, क्या करता है, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है, इधर की बात उधर करने वाला व्यक्ति, बी नंबर में दिया है सिद्धांतवादी व्यक्ति, सी नंबर में दिया है घमंडी व्यक्ति, डी नंबर में दिया है सिद्धांत रही व्यक्ति, ठीक है। देखिए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो देखिए थाली का बैगन इस मुहावरे का अर्थ होता है जिसका अपना कोई विचार हो, ठीक है, सो सिद्धांत ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसके समान अर्थ वाला अगर बात करें, इसके जैसा सिद्धांत रहित व्यक्ति होना चाहिए, क्या हो जाएगा, तो इसमें से बोल रहा है क्या होगा, जो सही अर्थ व्यक्त करता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत रहित व्यक्ति, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, मौन है, देखिए मौन है तो मौन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं, मुखर है, चुप है, कंठस्थ है और स्वरचित है, इन चारों में से क्या होगा, देखिए मौन का अर्थ होता है चुप या शांत रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, यानी इसका विलोम क्या होगा, तो विलोम इसका होगा आपका मुखर, मुखर मीन्स क्या होता है, बोलने वाला, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, देश को डैश से बचना चाहिए, देश को डैश से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए, ठीक है। देखिए वाक्य के भाव अनुसार रिक्त स्थान में विकल्प के जगह जो होगा वो जय चंदों का प्रयोग उचित होगा, ठीक है, देश को जय चंदों से बचना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, डी। उसके बाद देखना है 20 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है, तो देखिए 20 नंबर में जो लिखा हुआ है, 20 नंबर में सही जो लिखा हुआ है वो लिखा है प्रेमातुर, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है, वैर है, वैर का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए वैर का पर्यायवाची की बात करें, 21 नंबर में वैर का पर्यायवाची होता है विद्वेष, ठीक है, विद्वेष, ठीक है, यानी किसी के प्रति मन में क्या हो जाएगा, वैर का वैर मीन्स होता है क्या, लड़ाई झगड़ा, तो यानी जिससे न हो, विद्वेष हो, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं, क्या कहते हैं, साप्ताहिक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। उसके बाद देखिए,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बिना वेतन का कार्य करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प के अकॉर्डिंग देखिए, अवैतनिक का मतलब क्या होता है? बिना वेतन के काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, आयात। क्या है आयात? आयात का अर्थ क्या होता है? विदेश से वस्तुएं खरीदना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा निर्यात, ठीक है। क्या हो जाएगा? निर्यात, आयात का निर्यात, ठीक है। समझ गए, सिंपल है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए, दाल गलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, दाल गलना मुहावरे का अर्थ होता है युक्ति सफल होना, ठीक है। दाल गलना यानी प्लान आपका सफल हो गया, ठीक है। किसी के पीछे पड़ जाते हो, आपका लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है तो आपका काम बन गया, ठीक है। वैसे भी बिहार सिविल कोर्ट का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। दाल गला रहे हो पेपर पास करने के लिए, आप पास हो जाओगे तो बोलोगे ना युक्ति सफल होना, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, शाश्वत। क्या है? शाश्वत, ठीक है। तो देखिए, शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत कहने का मतलब होता है कि चिरंतन, ठीक है। चिरंतन या अनादि बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है? विलोम। तो विलोम क्या हो जाएगा? नस्वर, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नस्वर। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या करना है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 27 नंबर में, ठीक है। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से देखिए, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, बाढ़ पीड़ित कौन सा हो जाएगा? बाढ़ पीड़ित एगो दीर्घिन से, एगो हरसिंह से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ पीड़ित राइट आंसर लिखा हुआ है, वार्ड नहीं, ये नहीं हो गए तो वार्ड लिखा है, ठीक है। बाढ़ पीड़ित देखना है, ठीक है ना, जिसमें ब भी हो। क्या हो? जिसमें ब भी हो, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें ब है यानी बाढ़ पीड़ित, ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला देखिए, दिए गए शब्द के, देखिए फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर चले जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा और सारा वीडियो वहाँ पर है, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बिहार सिविल कोर्ट का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको सब बारी बारी से वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है? गृह दिया है। क्या दिया है? गृह, ठीक है। क्या दिया है? गृह। तो देखिए, गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपको पहले सेट में मिला होगा, 8 नंबर प्रैक्टिस सेट आपने किया होगा तो उसमें मिला था गृह, मैंने बताया था गृह का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 28 नंबर का, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? VBI है, ठीक है। गृह, अब पूछ रहा है गृह का पर्यायवाची, ठीक है। देखिए, गृह का पर्यायवाची शब्द होता है भवन बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं और घर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, डी निकेतन दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर पहचानना है। आदर्श विद्यार्थी के गुण, सादा जीवन उच्च विचार होता है, सादा जीवन उच्च विचार होता है, इसमें कौन सा त्रुटि है? देखिए ऑप्शन देखिए अच्छा से, बोल रहा है आदर्श विद्यार्थी के, ठीक है। तो आदर्श विद्यार्थी के गुण, ठीक है। तो यहाँ पर के नहीं होगा, आदर्श विद्यार्थी का गुण, ठीक है, होना चाहिए, यहाँ पर का होना चाहिए, ठीक है। तो ए जो होगा वो गलत दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी तरह याद करना, ठीक है, अच्छी तरह याद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय किसमें है? आलू का प्रत्यय किसमें है? देखिए ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, दयालु, झगड़ालू, कृपालू और भालू है, ठीक है। इसमें से आलू का प्रत्यय किसमें है? किसमें है? 31 नंबर में बताना है आपको, ठीक है। तो झगड़ालू जो है देखने से पता चल रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है 32 नंबर में, ठीक है। तो देखिए 32 नंबर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीन हो जाएगा, ठीक है, कालीन, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए,
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि नहीं है। देखिए 33 नंबर की बात करें तो इसमें हो जाएगा बी, ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण, रामायण में क्या है, स्वर संधि नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा 34 नंबर में, तो देखिए इसकी बात करें तो सत प्लस चित प्लस आनंद, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निशा दीवा या रात दिन में कौन सा समास है, निशा दीवा या रात दिन में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें एक दिया है निशा दीवा और एक रात दिन, ठीक है, दोनों में क्या करना है आपको समास पहचानना है, क्या करना है समास पहचानना है, ठीक है। देखिए निशा दीवा और रात दिन, ठीक है, तो दोनों में द्वंद्व समास है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश आ गया, ठीक है, इंग्लिश बनाइए, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डैश बिहाइंड द अक्यूरेंस ऑफ द फिनोमेनन, ठीक है, तो इसमें दिया है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही चुनना है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फाइंड आउट, ठीक है, किसी के पीछे के कारण होता है तभी वो लोग चुनते हैं, तो कारण किसको बोलते हैं कॉज, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है आपको 37 नंबर में, ठीक है, चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए, तो सही ऑप्शन वाला अगर बात करें तो एग्जरेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एग्जरेशन, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हैंडी है, क्या है हैंडी, हैंडी का अर्थ क्या होता है यानी सुविधाजनक, ठीक है, दिए गए विकल्प में से इसका उचित शब्द जो देखे तो क्या होगा कन्वेंट हो जाएगा, ठीक है, कन्वेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुविधाजनक, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है, देखिए आगे दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है, देखिए 39 नंबर में आपको क्या करना है, जो आइटम दिया है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब होता है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सबको अच्छा लगता है घर की दाल मुर्गी बराबर, ऐसे मतलब कुछ होता है कहाँ, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, तो समान अर्थ में इसके जैसे कौन सा सेंटेंस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही भाव उत्पन्न करता है इसके जैसा, तो देखिए थिंग्स appear better for other, ठीक है, मतलब होता है दूर के ढाल सुहाने होते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा things appear better for other, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, nowadays क्या दिया है nowadays spectacles are costly then they used to be dash, ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है 40 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रुटि वाला भाग आपको पहचानना है, ठीक है, देखिए costly then, ठीक है, then क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में प्रयुक्त होता है, हमेशा याद रखेंगे, इसलिए एडजेक्टिव कॉस्टली में क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री जो होगा वो कॉस्टलियर का प्रयोग उचित होना चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो इसमें दिया है कौन सा गलत है, देखिए इसमें जो दिया है ये कॉस्टली देन डी नंबर ये गलत है, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वंस हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ठीक है, 41 में क्या दिया है जो विकल्प है, विकल्प देखिए मल्टीलिंगुअल का अर्थ क्या होता है बहुभाषी यानी बहुत भाषा वाला, ठीक है, तो दिए गए शब्द समूह के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद बात करें तो सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजली, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजली, ठीक है, देखिए 42 नंबर में दिया है विकल्प इरागिल का अर्थ क्या होता है भंगुर आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है, इरागिल, ठीक है, तो दिए गए शब्द के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इरागिल यानी ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेल वोलेंट, क्या दिया है मेल वोलेंट, ठीक है, देखिए मेल वोलेंट का मतलब क्या होता है
बुरा चाहने वाला या दुष्ट को बोलते हैं, ठीक है, मैलवोलेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्या एंटोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको करना है सही स्पेलिंग वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो क्या हो, देखिए इसमें सही लिखा हुआ है, देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, इस कौन सा सही है, एकोमोडेट लिखा जो है, एकोमोडेट, ठीक है, सब एकोमोडेट लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेलिंग देखिए कौन सा है, कौन सा सही वाला स्पेलिंग है, तो देखिए जो डी नंबर का है एकोमोडेट, ये राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, नोमैडिक, नोमैडिक दिया है, क्या दिया है, नोमैडिक। ठीक है, 45 नंबर में क्या करना है, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंत या खानाबदोश। ठीक है, खानाबदोश। ठीक है, तो इसके समान कौन सा इसमें वर्ड है जो इसके समान अर्थ व्यक्त करेगा। ठीक है, तो रोविंग मिस क्या होता है, रोविंग मिस होता है घुमंतु या खानाबदोश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोविंग, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, लेटेंट दिया है, क्या दिया है, लेटेंट। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विकल्प के अकॉर्डिंग देखें तो विलोम क्या होना चाहिए, तो देखिए ऑब्वियस मिस क्या होता है, अर्थ या स्पष्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डी। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, ए स्टोन्स थ्रो अवे, ए स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, 47 में क्या है, देखिए 47 में दिया है ए स्टोन थ्रो अवे का मतलब क्या होता है, बहुत पास या कम दूरी पर। ठीक है, इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है इसमें जो समान अर्थ व्यक्त करेगा, देखिए एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, जो दिया है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम दूरी पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड। देखिए कहने का मतलब है जो लोग क्या होता है, परोपकारी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है, लोकोपकारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करें 49 का, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, हैव ए सेवरल आयरन इन द फायर, हैव सेवरल आयरन इन द फायर। ठीक है, देखिए 49 नंबर में है आइटम जो दिया है, इसका मतलब होता है कि एक ही समय पर कई कार्यों में लगना। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है, आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अभी बिहार सिविल कोर्ट का, कभी रेलवे ग्रुप डी का, कभी एसएससी का, तो उस सेंस में आप समझ गए इसका मतलब, सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके जैसा जो भाव व्यक्त करता है, हैविंग टू मैनी एंगेजमेंट एट ए टाइम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, यानी प्रसन्नता का अनुभव करने वाले को बोलते हैं, जो खूब प्रसन्न होता है किसी बात पे। ठीक है, इसके देखिए सेंटेंस वर्ड देखिए, इसमें कौन ऐसा वर्ड है जो सही क्या करेगा, जो शब्द उत्पत्ति करता है, ठीक है, उसके जैसा अर्थ व्यक्त करता है, टिल जॉयफुल, सॉरी टिल नहीं, फील होगा, फील जॉयफुल। ठीक है, फील जॉयफुल। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैथ का अगर आपको क्लास करना होगा मैथ को, तो 8 बजे रात को आपको अब सीरियल वाइज मिलेगा, सिर्फ स्पेशल क्लर्क और चपरासी के लिए, मैथ सभी में कंपलसरी है। और देखिए आप अगर आप पियोन चपरासी का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो आपके पास हिंदी और मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए दोस्त। ठीक है, एग्ज़ाम देखिए कोई इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि आज का संख्या इतना है कि आप एग्जामिनर जो है वो छांटने का प्रयास करता है, क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं छटनी करूँ। ठीक है, तो छटनी करने के लिए वो क्वेश्चन को आप समझ लीजिए किस लेवल से सेट करेगा, इसलिए आप पहले से तैयार रहें सामना करने के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम तक बने रहिए आप मेरे साथ, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ाई कीजिए और फिट कीजिए, और रात को मैथ का क्लास अलग से कीजिए 8 बजे।
वहाँ पर मिलेगा वीडियो आपको मैथ का स्पेशल, पूरा जितना सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई कीजिए।